क्या तुम्हारे साथ रेप हुआ है? कितने लोगों ने किया है? ठीक है ठीक है, बस तुम्हारे साथ रेप हुआ है? आज सुबह 9:30 हमारी बहन की निर्मम हत्या कर दी गई है। डॉक्टर बार बार हमसे पेपर पे साइन करवा रहे थे कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में है और फिर से दोबारा ऑपरेशन करना होगा, लेकिन जब हमने साइन नहीं किया तो डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारी बहन को निमोनिया हो चुका, फेफड़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। किसी न किसी बहाने से मतलब हमसे साइन करवाया जा रहा था कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में, कुछ भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। किस तरह की हमारी बहन की डेथ हो गई? किस तरह की? कितने डॉक्टर आए थे जो स्टेटमेंट लेने के लिए? डॉक्टर करीबन 3-4 डॉक्टर थे। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? हम तो पहले FIR दर्ज करवाने के मामले में थे कि हमारे FIR दर्ज हो सबसे पहले और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, लेकिन प्रशासन उसमें भी असमर्थ रही है और कुछ भी कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ रही है। हमारे कितना भी कोशिश करने के बावजूद वो लोग अपने पे अड़े रहे हैं, ना हमारा FIR दर्ज हुआ ना निष्पक्ष जांच हुआ। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से आए भैया? FIR दर्ज किया गया है 29 तारीख को ये मिर्ज़ापुर से। ये काफ़ी सीरियस हालत में जैसा बताया गया यहाँ पे एडमिट हुई थी, इनका इलाज चल रहा था और आज यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने की इच्छा जाहिर की, इसे पुलिस ने पंचायतनामा भरकर इनका PM कराया गया है और आप PM के बाद डेड बॉडी लेकर के परिजन गांव को जा रहे हैं मिर्ज़ापुर में और इसमें आगे की कार्रवाई की। परिजन का कहना है कि हमारे जान का खतरा भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनके साथ फोर्स प्रोटेक्शन दिया गया और साथ में गई है फोर्स। ये क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, ये पेशेंट जब हमारे यहाँ समय एडमिट किया गया था उस समय इनको ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन का पेशेंट था और उसी समय पेशेंट आए थे साफ कंडीशन में आई थी और उनको सेप्टिसीमिया थी। ऑपरेशन के बाद भी ऑपरेशन का सक्सेसफुली किया गया था और शुरू में कंडीशन इम्प्रूव भी किया, लेकिन क्योंकि वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बाजू में फैल चुका था उनको सेप्टिसीमिया थी। सेप्टिसीमिया के साथ साथ उनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम डेवलप हुआ, पल्मोनरी एडमा हुआ, जिसके साथ बाद में उनको मल्टी आर्गन सेप्टिसीमिया के कारण उनको मल्टी आर्गन प्रयोग हुआ। बीच में कंडीशन के बाद कल शाम से कल दिन से परसों उनको इम्प्रूवमेंट हुआ कि उसमें ऐसा लग रहा था कि अब इसमें इनको वेंटिलेटर धीरे धीरे उनको पिकअप किया जाएगा, लेकिन बीच में सेप्टिसीमिया के कारण कंडीशन कल मॉर्निंग से उसको डिट्यूरेट किया और कल के बाद उसको देखा कि उसको हमने इतना डेवलप हुआ एक डेवलप हुआ। डॉक्टर साहब, अभी घर वाले कह रहे हैं, जैसे आपने अभी जांच भी कराई थी, मामला पूरा घटनाक्रम था 6 दिन से 7 दिन से चल रहा था, घर वालों ने आपने भी जांच कराई है, जांच करने के बाद सारी चीज़ें आपने देखी है, अभी घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसकी मारा गया, उसकी हत्या की गई है। अब ये तो डॉक्टर की टीम सब पूरा सब कुछ देखा गया, अगर ऐसी बात है तो वो पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है, सब चीज़ क्लियर हो जाए, किसी को कोई भी बोल सकता है, लेकिन जो सत्यता है वो सब ही रहेगा। पूरी टीम उनको मालूम है, अगर इस पर डिटेल देखा जाए तो उनको खुद पेशेंट मेरे सामने डिस्कशन हुआ उस केस को, जिस समय वो मिर्ज़ापुर में उन्होंने कई जगह दिखाया, एक जगह नहीं कई जगह दिखाया, उन्होंने एक तत्काल ऑपरेशन किया। कल उनके परिजन के साथ मेरी बात हो रही थी, उन्होंने खुद जब पूछा गया तो उन्होंने खुद बताया, वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि तत्काल ऑपरेशन होगा और रेट डिले करेंगे, नहीं हो पाए तो जान बचाना मुश्किल है। फिर यहाँ भी कई जगह गए तो उनको सबको मालूम है कि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और, लेकिन आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि टीम डॉक्टर्स कोई भी हो वो हमेशा मरीज के लिए जान अपनी जान की बात। जब इसके पोस्टमार्टम लोग सब कराया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो हम खुद चाहेंगे उसका पोस्टमार्टम हो, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो और जिससे सब कुछ पता चल जाए। तो आरोप लगाना एक तरह से डिमोरलाइजिंग होता है, जो डॉक्टर एक मेडिकल इथिक्स है, डॉक्टर्स की मेडिकल इथिक्स से कोई ऐसा नहीं चाहता, कोई आज तक कभी ऐसा सुनने कभी नहीं आया है कि कोई जानबूझ के ऐसा, क्योंकि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, एक सबके हमारे मेडिकल इथिक्स है, कोई भी वो विवाद छोटे छोटे अलग बात है, अलग मैटर है, लेकिन जहाँ ट्रीटमेंट की बात आती है, मरीज देखने की बात आती है और मैं स्वयं जा रहा हूँ, पूरी टीम के साथ जा रहा हूँ, इमरजेंसी में ICU एक पेशेंट था, 24 आवर्स वहाँ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी थी, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, कौन कब कब गया वो भी ऑन रिकॉर्ड है, मैं गया वहाँ पर और साथ में हमारे NSCC उसमें टीम
जो मल्टी आयुर्वेद सभी डॉक्टर अलग अलग स्पेशलिस्ट, कल मैं स्वयं देखा तो पल्मोनरी स्पेशलिस्ट थे वो देखे, एनएचटीटीस की टीम है, डॉक्टर नीलम एथुडी जो आईसीयू के इंचार्ज हैं वो स्वयं उन्होंने देखा, सर्जन जिनके अंडर में है डॉक्टर बी के पांडे उन्होंने भी देखा, मेडिसिन फिजिशियन भी देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ एयर फैसलिटी है, मल्टी स्पेशलिटी सिस्टम है, सभी स्पेशलिस्ट हैं, जिस जहाँ जिस मरीज को जरूरत पड़ती सभी लोग एक साथ मिलकर ट्रीटमेंट करते हैं और कोई कमी नहीं पाई जाती, कोई कमी नहीं।